हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि जो लोग अपने ई श्रम कार्ड को जनवरी महीने में बनाए उन लोगों को गवर्नमेंट के तरफ से किसी भी तरीके का बेनिफिट्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी में ई श्रम कार्ड के थ्रू जो भी बेनिफिट्स मिला है उन्हीं को मिला है जो लोग अपने ई श्रम कार्ड को 31 दिसंबर 2021 के पहले बनाए होंगे। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि हम तो 31 दिसंबर 2021 के बाद मतलब जनवरी में अपने ई श्रम कार्ड को बना रहे तो क्या हमें गवर्नमेंट के तरफ से बेनिफिट्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी में ई श्रम कार्ड के थ्रू जो भी बेनिफिट्स मिला है वो किसको मिला है, कितना मिला है और कब तक मिलेगी, ये चीज़ समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि जो लोग जनवरी में अपने ई श्रम कार्ड को बना रहे उनको बेनिफिट्स मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा, ये चीज़ समझेंगे। तो यूपी में गवर्नमेंट के तरफ से सूचना जारी किया गया था कि जो लोग अपने ई श्रम कार्ड को 31 दिसंबर 2021 तक बना लेते उन्हीं को ये बेनिफिट्स दिया जाएगा। बेनिफिट्स में क्या था कि दिसंबर से मार्च तक इनमें 4 महीने हुए, चारों महीने में 500 रुपये दिए जाएंगे, तो टोटल मिला के 2000 रुपये हुए। तो 2000 रुपये दो किस्त में दिए जाएंगे, 1000 और 1000 करके, जिसका पहला किस्त आ चुका है। जो लोग अपने ई श्रम कार्ड को 31 दिसंबर 2021 के पहले बनाए हुए उन सभी के खाते में 1000 रुपये आ चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया है, हम तो 31 दिसंबर 2021 के बाद मतलब जनवरी में अपने ई श्रम कार्ड को बनाए हुए तो क्या हमको ये बेनिफिट्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसका क्लियर कट आंसर है कि आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। और इसके बाद ई श्रम कार्ड के थ्रू जितना भी बेनिफिट्स आने वाला है फ्यूचर में, बहुत सारा बेनिफिट्स आने वाला है, वो सब आपको मिलेगा, पर ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। ये उन्हीं को मिलेगा जो लोग अपने ई श्रम कार्ड को 31 दिसंबर के पहले बनाएंगे। तो इसी तरीके का जानकारी वाला वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके से किसी अगले टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर अगले वीडियो में।